बारिश चल रही है बहुत ज़्यादा, मैंने छाता ले लिया हुआ है और यहाँ से मुझे बस लेनी पड़ेगी अब। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाऊँगा मैं, और पूरी मतलब ना ऐसे बारिश ही बारिश चल रही है, ये बारिश बारिश बारिश। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में। आज की वीडियो में भाई अभी ना सुबह का टाइम है और यार बारिश मतलब काफ़ी ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई हुई है। मैंने छाता तो लिया हुआ है बट यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। अब देखता हूँ यहाँ से बस लेनी पड़ेगी आगे, मतलब 2 किलोमीटर आगे जाऊँगा मैं यहाँ से, बट बस देखता हूँ जैसे ही बस आती है तो फिर निकलेंगे यहाँ से। भाई बारिश चल रही है ज़ोरों शोरों से और इस वाली बस पे आया मैं अभी, और मैं जाऊँगा यहाँ से नीचे वाली तरफ को और क्रॉस शायद वहाँ आगे से जाना पड़ेगा मुझे ना। मतलब बारिश का भाई बहुत बुरा हाल है। जब कोई बात कर जाए। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में, आज के नए वीडियो में। भैया अभी सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं और मैं ना भी रूम पे हूँ और सामने से बढ़िया वाली धूप आ रही है। सामने का व्यू आपको दिखाते हैं, और पिछले कल काफ़ी ज़्यादा बारिश चल रही थी बट आज मौसम काफ़ी ज़्यादा मतलब साफ है और बादल बिल्कुल भी नहीं है, धूप आई है बहुत बढ़िया। तो सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है अभी मतलब कि बारिश के बाद शाम। पिछले कल यहाँ पे ना बारिश चल रही थी ज़ोरदार और आज काफ़ी बढ़िया धूप आई हुई है, और ये हरे भरे पहाड़ और ये नीचे ना पेड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ पे पूरी पहाड़ी ऐसे हरी भरी लग रही है और सामने के उस पहाड़ी पे ना गांव है और वहाँ पे ना देखो घरों में चूल्हे जले हुए हैं बट दिख नहीं रहे होंगे आपको, तो क्या दिखेंगे, और वो धुआं निकल रहा है चूल्हों का मतलब। और अभी ये मैंने चाय बनाई और साथ में हम थोड़े से बिस्किट खाएंगे, और गैस तो बंद कर दी हुई है ना, तो बस यही है मतलब अभी सुबह सुबह का। और फिर देखते हैं अभी बर्तन यहाँ पे थोड़े से साफ़ करने को भी पड़े हुए हैं। चाय थोड़ी सी ज़्यादा बन गई हुई है क्योंकि ये दूध ही था और मुझे लगा था कि ख़राब हो जाएगा, तो ना मैंने इसको पूरे को ही मतलब बना लिया पूरा, और अभी ये कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपको। अभी कुछ दिन पहले ना इस वाले ग्राउंड में, ये ढालपुर ग्राउंड है, यहाँ पे ना मेला चल रहा था और अब लोग यहाँ पे ना ये सफाई कर रहे हैं, MC के लोग होंगे, और यहाँ पे ना चारों तरफ ये देवदार के पौधे हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं, और ये सामने के पहाड़ देखो आप कितने बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं ना यहाँ पे सुबह सुबह। और इस वाली आगे वाली तरफ को अपना मंडी है और अभी हम जाएंगे यहाँ आगे वाली तरफ को। तो भाई अभी ना अपने पास थोड़ा सा टाइम था तो नहीं लगा क्यों ना मतलब ऐसे कैमरा आप मतलब फ़ोन उठा लिया जाए, और बाकी यहाँ पे मेला चल रहा था पिपलू, क्या पिपल यात्रा होती है यहाँ पे कुल्लू में, वो था, तो उसके बाद ना पूरा ग्राउंड ख़राब हो गया था ऐसे मतलब व्यापारी लोग आते हैं यहाँ पे, दुकानें होती है पूरी ग्राउंड में लगी हुई उस वजह से। और आजकल ना ज़िंदगी यार ऐसी हो गई है मतलब कि 10 बजे अंदर घुस जाओ कहीं कमरे में और शाम को 5 बजे फिर निकलो, क्या मतलब। चलो ठीक है जो भी है, अभी थोड़ा सा टाइम मेरे पास है कि मतलब कि लेट नहीं हो रहा हूँ। और यहाँ पे ना मतलब जैसे सुबह सुबह लोग देखो धूप सेक रहे हैं, वहाँ पे भी 2 भाई बैठे हुए हैं और एक ग्राउंड ऊपरी वाली तरफ को भी है यहाँ पे। फ्रेंड्स अभी ना मैं आ गया हूँ अपने रूम पे, और भाई मतलब पूरा दिन जो भी काम धाम था वो हमने किया निपटाया जो भी था, और अभी मैं रूम पे आ गया हूँ, यहाँ पे कुछ एक काम है वो करना है, और जो मेरे मकान मालिक हैं मतलब कि जहाँ जिनके घर पे मैं रहता हूँ उन्होंने मुझे कुछ सामान भेजा हुआ है वो आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया गिफ्ट भेजी है मुझे उन्होंने, तो वो आपको दिखाता हूँ, और क्या भी काम होगा वो सब आपको दिखाता हूँ यार यहाँ पे। और भाई मौसम बढ़िया है, शहर का ये बात बढ़िया है यहाँ पे, बाकी तो आज भी हमने ना मतलब धूप सेकी बीच बीच में, जैसे जैसे टाइम मिला वैसे धूप सेकते रहे। लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था ना कि भाई देखो सामने वाले विंडो पे ना कोई भी कर्टन नहीं है, उस वाले पे कोई कर्टन नहीं, ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी। और ये शाम के टाइम का व्यू है सामने के पहाड़ों का, ये वाला रोड जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला ये जा रहा है इस तरफ को मंडी को, और ऐसे जाएंगे तो फिर जाएंगे आप मनाली वाली तरफ को, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस वाले रोड पर। और ये नीचे आप देख रहे हैं ये गेहूँ है यहाँ पर भी लोगों को काटने के लिए, या काट ली उन्होंने क्या से अपा किया हुआ है जो भी है। और इस तरफ को आगे
बगीचे हैं, सेब वगैरह के यहाँ पे। और इन विंडोज़ के लिए ना, जो मेरे ऑनर हैं आंटी, उन्होंने ये कर्टन भेजे हुए हैं, काफ़ी बढ़िया साफ़ करके रखे हुए थे, फ्रेश फ्रूस करके भेजे हुए हैं बहुत बढ़िया करके। और ये भेजे हुए हैं ये सारे गुच्छे, ये मालाएं बनाने के लिए इनकी। अरे वो ये हैं, मतलब कि जैसे समझ गए आप, जो मतलब काम धाम वाले आदमी होंगे वो समझ ही जाएंगे, उसके लिए ये के है। और कुछ एक इसके अंदर भी यही भेजे हुए हैं। तो थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका इतना कुछ करने के लिए। तो अभी हम इनको लगाएंगे यहाँ पे। आज मैंने सोचा था ना कि ये बनाएंगे हम, इसको बॉयलिंग कढ़ाई। आपने देखा होगा मैं भेड़ पालकों के पास गया हुआ था, तो वहाँ पे ये वो लोग भी ऐसी सब्जी बनाते थे, वो जंगल से निकाल के लेके जाते थे। और मैंने ये 3 पीस लिए 20 रुपए के। चलो कोई बात नहीं, गांव के लोग आते हैं बेचने के लिए तो उनको मतलब 20 रुपये बन गए। और ये एक वो चकना और बेलना क्या है वो चाहिए था मुझे, वो लेके आया मैं। ये मार्बल वाला है 250 रुपये का, ये लेके आया मैं। और सीन पता क्या है कि मैंने सोचा कि ये बनाएंगे आज, लिंगड़ बनाएंगे और साथ में रोटियां बनाएंगे, बट अपने पास तवा ही नहीं है, और सब सामान है बट तवा नहीं है। आटा भी है, और आटा गूंदने के लिए जो परात होती है वो भी है, बर्तन मतलब वो भी है। और सब्जी मैं लेके आया था 2-3 दिन से, मैं चावल दाल ही खा रहा हूँ। चावल दाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ऐसे रात को खाएं, पर अब क्या करें, एक बार फिर से मतलब दाल बची हुई है पिछले कल की, यहाँ पे वही उसके साथ अब चावल खाने पड़ेंगे, और क्या करना। एक मुझे यहाँ पे ये चप्पल की जरूरत थी, तो ये सड़ी हुई चप्पल आया मैं 100 रुपये की, अंदर फेंको इसको स्नानागार में। और बाकी तो यहाँ पे सब सेट ही था किचन में। दाल बची हुई है पिछले कल की, ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ है इधर। अभी ना ये मैं डिनर कर रहा हूँ, चावल और दाल। ये दाल कल की बची हुई है यहाँ पे भाई, ऐसा मौसम है, बिना फ्रिज के दाल पिछले कल की आज तक ख़राब नहीं हुई है। और इसमें मैंने इसको रखा हुआ था, बाकी पानी बाकी बस यही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है भाई। तो अभी खा लेते हैं। पहले तो ना मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगा लिंगड़ की सब्जी, वो मैं लेके आया था मार्केट से, और साथ में बनाऊंगा चपाती। बट फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तवा तो है नहीं, वो भी आज इसलिए आया कि माता ने घर से फ़ोन किया था, बोला क्या रोटी बनाई, मैंने बोला चपाती बनाऊंगा और सब्जी लेके आया हूँ। तो फिर ध्यान आया कि मेरे पास तो तवा ही नहीं है, तो रोटी कैसे बनेगी। फिर मैंने सोचा कि क्यों, मतलब कि दाल बची हो तो क्यों ना थोड़ा चावल डाल के दाल चावल खा लें। और आज तीसरा दिन है कि मैं चावल और दाल खा रहा हूँ।